PCNPNDP एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए हमीरपुर पुलिस ने घुमारवी में क्लिनिक अल्ट्रासाउंड मशीन के अलावा दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हमीरपुर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग को बार बार इसके संबंधी शिकायत आने के बाद उत्तिक कार्यवाही को अंजाम दिया गया। हमीरपुर पुलिस द्वारा PSI पूजा DSP रेणु शर्मा की अगुवाई में गठित टीम ने सारी साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद गत शाम इसे अंजाम दिया। हमीरपुर में जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति व SP रमन कुमार मीणा ने इस कार्यवाही के संबंधी जानकारी दी। प्रशासन के अनुसार एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी में निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र में कन्या लिंग जांच कर अवैध कार्य किया जा रहा है, जिस पर यह कार्यवाही की गई। पुलिस ने उत्तक छापामारी में सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेने के साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि प्रशासन कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और कुछ समय पूर्व हुई मीटिंगों में महिलाओं द्वारा इससे संबंधित शिकायत की गई थी, जिस पर कार्यवाही की गई है। मुझको जिला हमीरपुर का कार्यभार संभाले लगभग एक महीना हो गया है और बीच में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसको जारी रखते हुए कुछ मीटिंग्स की थी और साथ ही हमें एक कंप्लेंट एनोनिमस कंप्लेंट मिली थी जिसमें लिंग पता करने के लिए किसी को प्रेरित किया जा रहा था। तो उस एनोनिमस कंप्लेंट के बेसिस पे हम कुछ मीटिंग्स SP साहब के साथ करके PCPNDT एक्ट के माध्यम से कल 3 तारीख को हमने FIR दर्ज की और एक टीम का गठन किया गया जो ये डेकॉय ऑपरेशन कर सके और जो इसमें अक्यूज थे उनको रंगे हाथ पकड़ा जा सके। पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने कहा कि PSI पूजा व DSP रेणु शर्मा की अगुवाई में गठित स्पेशल टीम ने क्लिनिक में चल रही अवैध कार्य की सत्यता जानने के लिए पुलिस ने छापामारी को अंजाम देते हुए PNDP एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन के हार्ड डिस्क को FSL लैब में भेजकर अधिक से अधिक साक्ष्य जुटाकर केस को अंजाम तक पहुंचाया गया। ये PCNPNDT के एक्ट में कल एक केस दर्ज किया है जिसमें जन्म से पहले लिंग का पता करना और अगर गर्भ में लड़की हो तो उसकी हत्या करने का एक साजिश के तहत इसमें ऐसा कुछ हो रहा था जो कि हमीरपुर में सामने आया। तो इसमें हमने एक पुलिस की एक टीम बनाई डेडिकेटेड जिसमें लेडी PSI पूजा और DSP हेडक्वार्टर रेणु शर्मा ये इसमें इन्वॉल्व थी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से इसमें सबसे पहले तो जो प्रारंभिक जांच की जाती है वो हमने कंडक्ट करवाई और उसमें जब ये कंफर्म हो गया कि वाकई में ऐसा हो रहा है तो हमने ये केस दर्ज किया और उसके बाद में इसमें दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया और साथ ही साथ जो क्लिनिक है और अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं वो इसमें सीज की हैं। जो सीजर है वो घुमारवी बिलासपुर में किया गया क्योंकि जो काम करने का इनका तरीका जो मॉडस ऑपरेंडी जो सामने आ रही है इस तरह की घटनाओं को जो गणित घटनाएं अंजाम दी जा रही है उसमें यह है कि बिचौलिया अगर इस जिले से है तो वो दूसरे जिले में जाके कंडक्ट करवाता है इस तरह की जांच, तो ये थोड़े पेचीदा हो जाते हैं मामले। पर इस पे बहुत अच्छे से हमारी टीम ने काम किया और इसमें इस टीम को हमने नारी शक्ति का नाम दिया और इन्होंने वाकई में अपने आप को प्रूव किया और बहुत अच्छे से इन्होंने काम करके बताया। इसमें इस तरह की जो भी और हमारे इस केस में आगे की कार्रवाई ये है कि FSL की टीम को बुलाया जाएगा, जो अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ जो हार्ड डिस्क अटैच थी उसको निकलवा के और उसको FSL जांच के लिए भेजा जाएगा और इसको केस को जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि CMO ये हमीरपुर की मदद से बिलासपुर CMO की मदद से इसको हम पुट इन कोर्ट करें। केस PCNPNDT एक्ट की धारा 22 और धारा 23 के तहत दर्ज हुआ है और इसमें और कोई रिलेवेंट अगर सेक्शन हमको नजर आएंगे तो वो भी इसमें जरूर ऐड किए जाएंगे। देखिए अगर किसी गर्भस्थ शिशु की कोई हत्या करने जैसा संगीन कार्य करने की अगर मंशा रखता है तो प्रभावशाली नहीं एक खराब मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे।